रियल लाइफ में अगर दोस्ती करना अगर किसी से सीखना है तो आप सुनील शेट्टी से सीख सकते हैं। वही सुनील शेट्टी जिन्हें पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री अन्ना के नाम से बुलाता है। आज भले ही सुनील शेट्टी फिल्मों में बहुत ही कम दिखाई देते हों, लेकिन उनको लेकर कई सारी दिलचस्प किस्से व कहानियाँ मीडिया के गलियारों में वायरल होते ही रहते हैं और साथ ही हम आपको इनसे रूबरू भी कराते हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि सुनील शेट्टी 90 के दौर के एक सफल एक्शन हीरो के तौर पर जाने गए हैं और उस दौर में सुनील शेट्टी के मुकाबले का कोई भी अभिनेता नहीं था। यहां तक कि सुनील शेट्टी ने अपना करियर दांव लगाकर कई सारे अपने साथी कलाकारों की मदद भी की और उनके करियर को उड़ान देने की कोशिश भी की और इन्हीं में से एक थी रवीना टंडन। रवीना टंडन के लिए जो सुनील शेट्टी ने किया है वो शायद और कोई नहीं कर सकता था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुनील शेट्टी का रवीना का मदद करना किसी खास दोस्त को नहीं रास आया और ये कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार थे। बॉलीवुड के जानकारों का कहना है कि रवीना टंडन की नजदीकियां सुनील शेट्टी के साथ काफी ज्यादा हो गई थी और इस बात से खफा होकर अक्षय कुमार सुनील शेट्टी के रिश्तों में दरार आ गई थी। या साफ शब्दों में कहें कि रवीना की मदद करना सुनील शेट्टी को काफी ज्यादा भारी पड़ गया था और इसकी शुरुआत 1994 से होती है। मालूम हो तो बताना चाहेगी कि 90 के दौर में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी दोनों ने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन किसी भी अभिनेता को बड़ी फिल्म नहीं मिली थी। लेकिन 1994 में आई फिल्म मोहरा मील का पत्थर साबित हुई और इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन के किरदार को एक नई पहचान मिली। लगभग सभी कलाकारों ने अपने किरदार को बड़े पर्दे पर बखूबी पेश किया और इस फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसी फिल्म को करने के बाद अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन रातों रात स्टार बन गए और इन्हें आने वाले समय में कई सारी फिल्मों के ऑफर भी मिले। लेकिन हो क्या रहा था, सुनील शेट्टी जहां अपने आने वाली फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे इस फिल्म को करने के बाद, वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार धड़ाधड़ फिल्मों को साइन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रवीना टंडन इन दोनों सुपरस्टारों के उलट आने वाले फिल्मों के ऑफर को ठुकरा रहे थे क्योंकि वो अक्षय के प्यार में पागल हो गई थी। अक्षय के प्यार में पागल होकर रवीना टंडन इस कदर उनसे लगाव कर रही थी कि आने वाले समय में जितनी भी उन्हें फिल्में मिली उन सभी फिल्मों के ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि वो अक्षय कुमार के साथ सेटल होना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर ये बाकी सुपरस्टार अपने आने वाली फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त है। वहीं दूसरी ओर रवीना टंडन अपनी मौजूदा फिल्मों की शूटिंग जल्दी से जल्द खत्म करना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या, अक्षय कुमार की कैसोनोवा वाली इमेज रवीना टंडन के प्यार को झकझोर के रख दी और समय आ गया 1996 का। अक्षय और रवीना को एक साथ काम करने का मौका मिला। 1996 में आई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन अक्षय कुमार का उस दौर की मशहूर एक्ट्रेस रेखा के साथ नाम जुड़ा और अक्षय कुमार एक बार फिर से विवादों में घिर गए और ये बात रवीना टंडन को भी रास नहीं आई। रवीना टंडन को अक्षय कुमार रेखा की नजदीकियां बिल्कुल भी रास नहीं आई और इसको लेकर रवीना टंडन और अक्षय कुमार के बीच में काफी मनमुटाव चला। यहां पर हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि अक्षय कुमार रवीना टंडन को लेकर उस दौर में ये भी बताया गया कि अक्षय कुमार रवीना टंडन को भी नहीं छोड़ना चाहते थे और इसी कड़ी में रवीना के प्रेशर पर अक्षय कुमार ने गुपचुप तरीके से सगाई भी कर ली थी। लेकिन इस सगाई की खबर को मीडिया के गलियारों से दूर रखा। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे इन दोनों सुपरस्टारों के बीच में खटास आनी शुरू हो गई और रवीना टंडन और अक्षय कुमार के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। एक ऐसा भी समय आया जब अक्षय कुमार कई सारे अभिनेत्रियों के साथ अफेयर को लेकर खूब चर्चाओं में रहे और धीरे धीरे ये बात रवीना टंडन को चुभती गई। समय बीतता गया और रवीना टंडन और अक्षय कुमार के बीच में दूरियां बढ़ती गई। वहीं दूसरी ओर रवीना टंडन बिल्कुल खाली नजर आई और रवीना टंडन के पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था और उन्हें कमबैक भी करना था। कमबैक की राह लेकर उन्हें याद आई अपने करीबी दोस्त सुनील शेट्टी की। सुनील शेट्टी के पास गई और सुनील शेट्टी ने उन्हें समझाया। सुनील शेट्टी के कहने पर रवीना टंडन राजी भी हो गई। सुनील शेट्टी ने रवीना टंडन को मोटिवेट करते हुए कहा कि तुम्हें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री को अभी बहुत कुछ देना है, इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। और इसी कड़ी में सुनील शेट्टी ने अपनी ही फिल्म में काम करने का ऑफर रवीना टंडन को दे दिया। रवीना टंडन ये इस फिल्म को नहीं करना चाहती थी। तब सुनील शेट्टी ने अपनी फिल्म रक्षक के एक स्पेशल शो में रवीना टंडन को कास्ट करवाया और ये गाना था शहर की लड़की, वही शहर की लड़की जिसका भी हाल ही में एक बार फिर से रीमेक बनाया गया है और ये 1996 में आई फिल्म का सुपर डुपर हिट गाना था और इस गाने को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। लेकिन सुनील शेट्टी का रवीना टंडन का इस तरीके से मदद करना अक्षय कुमार को रास नहीं आया और बताया जाता है कि उस समय अक्षय कुमार और रवीना टंडन के बीच में और भी ज्यादा दूरियां बढ़ गई और बताया जाता है कि दोनों सुपरस्टारों के दोस्ती में भी दरार आ गई। तो दोस्तों, इस तरह सुनील शेट्टी ने अपने करीबी दोस्त रवीना टंडन की जब मदद की और इस मदद की खबर पाने के बाद अक्षय कुमार को बहुत ज्यादा बुरा लगा और इस वजह से सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार के रिश्तों में दरार आ गई। हालांकि आने वाले समय में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी ने साथ मिलकर कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और ये आज दोनों ही
बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। अब आपको दोस्तों इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, साथ ही इस खबर को लेकर आपने क्या कहना है, कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।